खबर बुरहानपुर जिले से है, जहां मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कोरोना काल के दौरान ऑफलाइन खाद्यान्न वितरण के कारण POS मशीन में उत्पन्न अंतर और संबंधित दंडात्मक कार्यवाही को रोकने की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार कोरोना काल में जिला प्रशासन द्वारा ऑफलाइन खाद्यान्न वितरण करवाया गया था, जिसे POS मशीन में दर्ज नहीं किया गया, जिसके चलते POS मशीन में अंतर दिख रहा है और इस अंतर के आधार पर उपभोक्ता दुकानों और संस्था प्रबंधकों को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही नागरिक आपूर्ति निगम ने इस अंतर की राशि विक्रेताओं के कमीशन से काट ली है, जिसके भुगतान की भी बात की गई है। बता दें कि ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि महासंघ और जिला कर्मचारी यूनियन ने पहले भी कई बार ज्ञापन प्रस्तुत किया था, लेकिन अभी तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, जिससे विक्रेताओं में आक्रोश व्याप्त है। विगत वर्षों से हम हड़ताल करते चले आ रहे हैं। कोरोना काल में जो POS मशीन में स्टॉक अंतर थे वो आज तक हटाए नहीं गए। विक्रेताओं के खिलाफ में FIR हो रही है, क्योंकि उस टाइम में ऑफलाइन वितरण करने का आदेश जिला स्तर पे दिया गया था। उस संबंध में हम 10 तारीख को महासंघ के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय भी गए थे मिलने, उसके बाद सहकारिता मंत्री जी से मिले। आज हम रोहित सिंह राजपूत जी के नाम जो खाद्य मंत्री हमारे उनके नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं।